एमएस वर्ड में लास्ट हम कौन सा मीनू पढ़ गए थे? पेज लेआउट। पेज लेआउट और रेफरेंसेस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज हम, ठीक है? इसी मुद्दे से स्टार्ट करते हैं, लास्ट में रिवीजन ले लेंगे, है ना? तो पेज लेआउट मीनू में मैंने आपको इसके ऑप्शंस बताए थे, रिवाइज करें, थीम, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ, अरेंज, ठीक। पेज लेआउट मीनू देख रहे थे हम, ठीक है? मीनू बार में, टैब बार में, इसके आगे भी कुछ मीनू हम कर चुके हैं, इसके पीछे भी हमें कुछ मीनू करने हैं। रेफरेंसेस के बाद आएगा मैगिंग, रिव्यू और व्यू, ठीक। तो पेज लेआउट में सबसे पहले मीनू आता है थीम का। थीम बेसिकली क्या है? पूरे डॉक्यूमेंट के लिए थीम, पहले से बनी बनाई थीम है, उनको आप सेलेक्ट करते हो, अप्लाई कर देते हो। पहले से बनी बनाई थीम किसी भी नाम से आ सकती है, एपेक्स नाम से, ऑफिस नाम से, और बहुत सारे नाम की थीम आती है। इस तरीके से उस थीम का शॉर्ट कलर्स भी आता है। आपने उसको ओके किया, पूरा डॉक्यूमेंट जो कुछ लिखा हुआ था उसकी कलर स्कीम हेडिंग सब बदल जाता है, इस थीम के अनुसार हो जाता है। आप इम्प्लीमेंट करके कैसे देखेंगे? आपने हेडिंग्स, हेडिंग वन, हेडिंग टू, कुछ पिक्चर्स इंसर्ट करके देखो, है ना, पैराग्राफ की इंडेंट्स वगैरह सेटिंग करके देखो, अंडरलाइन वगैरह करके देखो, और फिर थीम अप्लाई करो, तो ऑटोमेटिक थीम के फॉन्ट बदल जाएंगे, कलर्स बदल जाएंगे, पूरे डॉक्यूमेंट का सेटिंग बदल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसी थीम में दो तीन ऑप्शन और आते हैं, कलर, फॉन्ट और इफेक्ट्स। इसी थीम में दो तीन ऑप्शन और आएंगे कि थीम तो आपको समझ में आ गई है या मतलब ठीक लग रही है। जैसे मुझे ऑफिस नाम की थीम ठीक लग रही है, मैंने उसको सेलेक्ट किया, उस थीम के अनुसार मेरा पूरा डॉक्यूमेंट बदल गया। अब इसी थीम में कलर्स की सेटिंग्स में मैं कुछ बदलना चाहती हूँ, तो कलर्स की सेटिंग में ऑप्शंस आ गए हैं, कुछ कलर की लिस्ट आ गई है, क्लिक करो ऑटोमेटिक बदलता है। एक एक कलर को सेलेक्ट नहीं करना है, कलर का सेट आ रहा है ऑटोमेटिक बना हुआ, ऐसा सेट बना हुआ आ रहा है, कुछ कलर का सेट बना हुआ है, इस पर क्लिक किया, उसके अनुसार इसके सारे थीम के कलर्स बदल जाएंगे, है ना। सारे कलर्स बदलने का मतलब हेडिंग का कलर क्या है, जो सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर क्या है, अलग अलग कलर होते हैं, कोई पिक्चर आपने इंसर्ट कर रखी है तो उसका कलर क्या है, तो वो सबके कलर्स इस थीम के अनुसार चेंजेस हो जाएंगे। इसी तरीके से थीम तो ठीक लग रही है, आपको फॉन्ट्स बदलने हैं, तो फॉन्ट की लिस्ट आ गई है, पूरी थीम वैसी ही रहेगी, फॉन्ट बदल जाएगा। हाँ, फॉन्ट के दो तीन सेट होते हैं, मतलब हेडिंग अलग आएगी, नॉर्मल जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो अलग आएगा, पर वो इस फॉन्ट का जो आपने थीम सेलेक्ट करी है, दो तीन जो उसने बताए हैं, वो उसके अनुसार सेटिंग हो जाएगी। नहीं, थीम में हमेशा एक थोड़ी रहता है, फॉन्ट में भी आपके जैसे ऊपर वाली हेडिंग अलग होती है, टेक्स्ट अलग होता है, तो जैसे ही आप थीम लेते हो ना, तो उस थीम के अनुसार फॉन्ट एक ही रहता है, लेकिन उसकी साइजेस वगैरह वो अपने आप थीम के अनुसार सेट हो जाती है। फॉन्ट एक ही रहेगा, लेकिन फॉन्ट की साइजेस वगैरह थोड़ा बदल जाता है, तो ऊपर वाली हेडिंग अलग दिखती है, बीच का टेक्स्ट अलग दिखता है, वो थीम के अनुसार पूरा डॉक्यूमेंट जैसे दिखना चाहिए वैसे दिखेगा। इफेक्ट्स में बेसिकली क्या होता है, पिक्चर्स होती हैं, हालांकि पिक्चर्स मतलब आपके डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर बनी हुई है, तो आप या इफेक्ट्स में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उनको सेलेक्ट करते हो, प्रैक्टिकली आप करते हो तो एकदम इफेक्ट आपके पकड़ में नहीं आता है, आउटलाइंस पे कुछ चेंजेस आ जाते हैं, इन पिक्चर की आउटलाइन में कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, थीम ऑप्शन आपको याद क्या होना चाहिए, थीम ऑप्शन, दैट्स इट। थीम क्या करता है, पूरे डॉक्यूमेंट की थीम बदल देता है, पूरी थीम बदलने का मतलब फॉन्ट कलर्स सारी सेटिंग्स बदल जाएंगी थीम के अनुसार,
और इसी थीम में ऑप्शन में जाते हैं तो कलर फॉन्ट इफेक्ट्स के और ऑप्शन अपने को मिल जाते हैं। तो थीम आपको नहीं भूलना है, इतना आप याद रखो, ठीक, इतना याद है। आगे बढ़े, पेज सेटअप। पेज सेटअप के ऑप्शंस फिर इम्पोर्टेंट हैं, काफ़ी आएंगे इसमें। साइज आ गया, मार्जिन आ गया, ओरिएंटेशन आ गया, इसके अलावा इसमें कॉलम ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन ब्रेक आता है और लाइन नंबर्स आते हैं। ठीक है, अब पेज सेटअप के इन ऑप्शंस को देख लेंगे हम। ठीक है, पेज सेटअप में साइज ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन, साइज से आप क्या समझते हैं? हाँ, आप साइज जो सेट करते हो पूरा डॉक्यूमेंट उस साइज के अनुसार सेट होगा। अगर आपने कभी नोट्स देखे हो, लीगल साइज का पेपर होता है, थोड़ा बड़ा पेपर होता है, या आप रिम खरीदने जाते हो मार्केट में तो एक आप पूछ कहते हो A4 साइज का पेपर दो, A4 साइज वाली रिम दो। लीगल साइज की रिम अलग आती है और एक A4 साइज की रिम अलग आती है। तो अगर ये पेपर है तो उसके अनुसार वो डॉक्यूमेंट, जैसे ये लंबा पेपर है लीगल वाला और एक पेपर है मेरे पास A4 वाला जो लीगल से थोड़ा छोटा है, उसकी साइज थोड़ी छोटी है, तो मेरे पास जो अक्षर लिखे हुए हैं, जो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठी लाइन, और इसके अनुसार टॉप मार्जिन, इसके अनुसार बॉटम मार्जिन, राइट लेफ्ट टॉप मार्जिन, ये इस A4 के हिसाब से सेट हो गया जो भी आपका मैटर था। ठीक है, अगर मैंने लीगल साइज ले ली तो इसमें अगर 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें आ गई, हो सकता है यहाँ 7 लाइनें आ जाए। ठीक, और हो सकता है आपने लीगल साइज ली और उसको प्रिंट आउट आपने A4 पे निकाला तो 2 लाइनें कट जाएंगी। फिर आपने डॉक्यूमेंट तो लीगल के अनुसार बना रखा है और प्रिंटिंग में लगा दिया आपने A4 पेपर, तो डॉक्यूमेंट तो इसकी साइज के हिसाब से सेट हो रखा है, ये लाइनें कट जाएंगी नीचे की। फिर A4 के बाद वह प्रिंट ही नहीं होगा फिर वो, तो यहाँ आके ये साइज का मतलब रहता है। प्रिंट आउट में भी आप देखोगे क्या सेटिंग करनी है, पेज सेटअप में भी आप देखोगे कि आपको जो डॉक्यूमेंट बनाना है उसकी साइज आपको क्या रखनी है। ठीक है, A4 है, A3 है, लेटर है, लीगल है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइजेज आएंगी। डिफरेंट डिफरेंट साइजेज में क्या होगा, जैसे एक पेपर की साइज ये है तो किसी और पेपर की साइज 9 इंच 11 इंच हो सकती है, तो डिफरेंट डिफरेंट साइज होगी। ठीक है, साइज के बाद हम बढ़ जाते हैं मार्जिन। पेज का मार्जिन, ये यहां आप ध्यान से देखें, इस मार्जिन को क्या कहोगे आप, लेफ्ट मार्जिन। इस मार्जिन को क्या कहोगे, बॉटम मार्जिन। इस मार्जिन को क्या कहोगे, इधर वाले मार्जिन को क्या कहोगे, राइट मार्जिन। तो जब आप किसी पेज पे आपकी कॉपी में भी लिखते हो तो लेफ्ट में कुछ छोड़ देते हो, कुछ जगह छोड़ देते हो। ठीक है, इसी तरीके से आप राइट में भी बिल्कुल पेपर के एंड तक नहीं लिखते हैं, कुछ जगह छोड़ देते हैं। इसी तरीके से आप बॉटम में नीचे तक थोड़ी लिखते हैं कॉपी में या किताबों में। ठीक है, तो नीचे की जो जगह छोड़ देते हैं, इसी तरीके से टॉप में। तो यह हो गया आपके लेफ्ट मार्जिन, ये बॉटम, ये राइट, ये टॉप। ठीक, तो ये इसके मार्जिन हुए। इसके अलावा मैंने एक मार्जिन और बताया, एक किताब बना रहे हम, ये पेज और ये पेज बाइंड हो जाना चाहिए, यहाँ जो आप मार्जिन छोड़ रहे हो बाइंडिंग के लिए। ठीक है, ये वाला जो मार्जिन आप छोड़ रहे हो इसको क्या कहते हैं अपन, बाइंडिंग मार्जिन, और इसका दूसरा नाम क्या है, गटर। इसका एक नाम है बाइंडिंग
मार्जिन, और इसको क्या कहेंगे हम, गटर। आगे क्या बात समझ में? तो मार्जिन कौन कौन से हो गए, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। ये बाइंडिंग में जो काम में आ रहा है मार्जिन, उसको क्या कहेंगे अपन, बाइंडिंग मार्जिन, या उसका एक नाम होगा जिसको क्या कहा जाता है, गटर। क्लियर। दूसरा, बाय डिफॉल्ट टॉप बॉटम मार्जिन होता है एक इंच, एक इंच। लेफ्ट राइट मार्जिन होता है 1.25 इंच बाय डिफॉल्ट। क्या आप नहीं सेट करते हो तो सेट रहता है। मार्जिन हो गया। मार्जिन के बाद ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं बताएं, बता चुकी हूँ मैं, दो प्रकार के, नाम बताओ। हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन पकड़ रखा है हमने तो उसको क्या कहेंगे, लैंडस्केप। और इस तरीके से ओरिएंटेशन पे हम कुछ लिख रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, PORTRAIT, पोर्ट्रेट। ठीक, इसको क्या कहेंगे, लैंडस्केप, और उसको क्या कहेंगे, पोर्ट्रेट। साइज, मार्जिन, ओरिएंटेशन। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉलम। कॉलम क्या होते हैं, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? ये पेज मैंने लिखा, आप पेपर देते हो क्या, एग्ज़ाम दिया क्या कभी ऑब्जेक्टिव टाइप का? अपने यहाँ सिद्धम में भी जो संडे का एग्ज़ाम देते हो तो क्वेश्चन ऐसे लिखे रहते हैं, और इस तरीके से लिखे होते हैं कि क्वेश्चन नहीं लिखे होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10। अगर क्वेश्चन इस तरीके से लिखे हुए हैं या टेक्स्ट इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये क्या कहेंगे, हमने दो कॉलम में मार दिया पेज को, हमने क्या किया, या टेक्स्ट को दो कॉलम में बांटा है। दो में भी बांट सकते हैं, तीन में भी बांट सकते हैं, चार में भी बांट सकते हैं। जो आपके अखबार होती है वो भी कॉलमों में लिखी हुई होती है, सीधी सीधी पूरी अखबार एक से नहीं पढ़ते आप, कॉलम वाइज लिखा रहता है उसमें भी मैटर। ठीक है, तो ये कॉलम भी आप चाहो जितने बांट के टेक्स्ट को लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कॉलम ऑप्शन समझ में आ रहा है। कॉलम आपने दो दे दिया तो आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे इस कॉलम में जाएगा, फिर यहाँ से अपने आप ही इस कॉलम में आ जाएगा। ये भर जाने के बाद, अगर आपने तीन कॉलम दे रखा है तो ये भर जाने के बाद तीसरे कॉलम में चला जाएगा। तो ऐसे कॉलम वाइज चलेगा मामला, पेज वाइज नहीं चलेगा। ठीक है, इस कॉलम में लाइंस वगैरह दी जा सकती हैं। फिर हम आ जाते हैं ब्रेक ऑप्शन पे। ब्रेक ऑप्शन क्या काम में आता है, आपको मैंने पेज ब्रेक कभी बताया था, पेज ब्रेक रोकने के लिए नहीं, पेज ब्रेक बेसिकली हाँ एक पेज से दूसरे पेज में जाना हो, पेज एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैंने यहाँ दे दिया पेज ब्रेक, तो ये चार लाइनें तो पहले पेज पे आएंगी, पेज नंबर 1 पे, और ये वाली लाइन यहाँ से हट जाएगी और सेकंड नंबर पेज पे चली जाएगी। ठीक है, पेज 2 पे चली जाएगी। पेज ब्रेक से क्या होगा, जहाँ आप पेज ब्रेक दोगे बाकी का मटेरियल दूसरे पेज पे चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से होता है कॉलम ब्रेक, इसी तरीके से होता है लाइन ब्रेक। कॉलम ब्रेक जहाँ आप दे दोगे, यहाँ मैंने दे दिया तो यहाँ कॉलम ब्रेक हो जाएगा, दूसरे कॉलम में चला जाएगा। यहाँ मैंने दे दिया तो ये कॉलम ब्रेक हो गया और नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा। लाइन, जो लाइन चल रही थी वो लाइन ब्रेक होकर नेक्स्ट लाइन में चली जाएगी, है ना। तो ब्रेक में क्या क्या है, लाइन ब्रेक है, कॉलम ब्रेक है और पेज ब्रेक है। फिर आ जाते हैं लाइन नंबर। लाइन नंबर क्या होता है, आपका जो सारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इस सारे डॉक्यूमेंट पे अगर आप लाइन नंबर देना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करके लाइन नंबर देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये लाइन नंबर ले लेगा, इसकी पूरी लाइनों को लाइन नंबर सेट कर देगा। इसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं, आप लाइन नंबर चेंज करना चाहते हैं, हर पेज से नया लाइन नंबर चालू हो, ऐसा भी हम कर सकते हैं। हर पेज पे जो लाइन लिखी हुई है उसका लाइन नंबर शुरुआत से चालू हो, ऐसे इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे हम लाइन नंबर की सेटिंग्स को थोड़ा बदल सकते हैं। तो किसको कंप्लीट किया हमने, थीम कंप्लीट किया, पेज सेटअप कंप्लीट किया। अब आ जाते हैं पेज बैकग्राउंड।
इन ऑप्शंस में कोई दिक्कत, इसके 6 ऑप्शंस हैं, पेज सेटअप के साइज, मार्जिन, ओरिएंटेशन, कॉलम ब्रेक, कॉलम अलग है, ब्रेक अलग है और लाइन नंबर अलग है, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन और आता है कॉलम ब्रेक, पेज ब्रेक, लाइन ब्रेक, इसमें सॉरी ब्रेक में 3 ऑप्शन और आते हैं, कॉलम ब्रेक, लाइन ब्रेक, ठीक है, पेज ब्रेक। ये ब्रेक क्या कर रहा है ये समझ में आ रहा है ना, एक को दो में तोड़ेगा, कॉलम है तो एक कॉलम है उसको दो में तोड़ देगा, लाइन है तो लाइन को दूसरी लाइन में भेज देगा, और पेज है तो बाकी मटेरियल को दूसरे पेज में भेज देगा। तो ये सारे ऑप्शन किस में आएंगे, कॉलम में। कॉलम में क्या ऑप्शन आएंगे, आपको दो कॉलम बनाने हैं, तीन कॉलम बनाने हैं, कितने कॉलम बनाने हैं, ये ऑप्शन आएगा। लाइन नंबर में क्या आएगा, हर पेज पे अलग अलग लाइन नंबर देना है क्या, या सभी को लाइन नंबर कंटिन्यू करना है, तो ऐसे कुछ ऑप्शंस आएंगे। पेज सेटअप कंप्लीट, 3 ऑप्शन, इसके ऑप्शंस जगह बताओ क्या क्या है। पेज सेटअप में क्या ऑप्शन बताया मैंने फटाफट से, साइज, ठीक, साइज के 2 प्रकार बताएं, लीगल, ठीक है, साइज के बाद आप मार्जिन बताएं, ठीक, आगे क्या बताया था मैंने, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के प्रकार बताएं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, लैंडस्केप वगैरह कौन सा था जो हॉरिजॉन्टल है, चल आगे बढ़ो, पेज बैकग्राउंड, पेज बैकग्राउंड में आप क्या क्या ऑप्शन देंगे, वाटर मार्क, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वाटर मार्क पूछा भी जा सकता है और काम भी आता है कई बार। वाटर मार्क क्या होता है, कई बार आप किताबों में देखो, नोट्स में देखो, पीछे राइट सा लिखा होता है ना, कई बार हाँ ठीक है, तो जैसे हम पेपर दे रहे हैं, सपोज हम पेपर बना रहे हैं, सिद्धम क्लासेस ने पेपर बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं, तो उसका बैकग्राउंड में सिद्धम राइट सा लिखा हुआ है, उसको क्या कहा जाएगा, वाटर मार्क, ठीक है। वाटर मार्क ये पेज है, पेज पे टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, ये तो डार्क आ रहा है, ठीक, ये आ रहा है आपका सिंपल। अब इसके पीछे ये हमारा जो लोगो है सिद्धम का, मैंने उसको पिक्चर के रूप में इंसर्ट कर रखा है, हल्का सा बैकग्राउंड में दिखता रहे, बहुत ही हल्का लाइट कलर, कलर्स आप सेट कर सकते हो, बिल्कुल लाइट ग्रे सेट कर रखा है, लाइट येलो सेट कर रखा है, तो आपको लगेगा कि बहुत ही हल्का बैकग्राउंड में कुछ नज़र आ रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है, वाटर मार्क। आगे बात समझ में, पिक्चर के रूप में भी हो सकता है, टेक्स्ट के रूप में भी हो सकता है, टेक्स्ट के रूप में मैं ऐसा कुछ लिखना चाहूँ, ये जो बैकग्राउंड में है वो बहुत हल्का रहेगा और फोरग्राउंड आपको दिखेगा ढंग से, उसको कहा जाता है वाटर मार्क, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है पेज कलर, पेज का बैकग्राउंड कलर, क्या बॉर्डर बोलते हैं उसको, वो यहाँ आएगा, बॉर्डर आएगा लास्ट में, ठीक, पेज का बैकग्राउंड कलर। तो पेज जैसे मैं लाइट ग्रे लेना चाहूँ और उस पर टेक्स्ट प्रिंट करना चाहूँ, कलरफुल भी ले सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, कलर प्रिंटर चाहिए। अगर मुझे हकीकत में कलरफुल देखना है, जैसे आपकी ये कॉपी है, ये कॉपी देना मेरे को, ये कॉपी में ये कलर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, अब मुझे ये कलर्स देखने हैं, तो कलर्स के लिए तो कलर प्रिंटिंग करते वक्त कोई कलर प्रिंटर भी होना चाहिए। अगर आप ब्लैक एंड वाइट पे ही करते हो, तो लाइट ग्रे अगर लेते हो तो कलर ग्रे शेड में नज़र आएगा आपको, कलर आपने लिया है ना, तो बैकग्राउंड जो है लाइट ग्रे कलर में नज़र आएगा और ऊपर लिखा हुआ डार्क ब्लैक में नज़र आएगा, ठीक है भाई। अगर आपने कलर्स उठा लिए, लाइट येलो उठा लिया मैंने बैकग्राउंड में, और लिखा किससे, ब्लैक से,
आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन प्रिंटर अगर मेरे पास क्या है, ब्लैक एंड वाइट है, जैसे ये प्रिंटर लगा हुआ है तो आप बड़े बैकग्राउंड में येलो ले लो, वो येलो प्रिंट नहीं करेगा, उसके पास शाही नहीं है येलो कलर की। लेकिन ये हो सकता है कि अगर आप उसकी सॉफ्ट कॉपी भेज रहे हो कहीं, सॉफ्ट कॉपी में अगर आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें येलो कलर में दिखें, या वो आपके सॉफ्ट कॉपी में काम आएगा, पीडीएफ में भी काम आएगा, उसी को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो, है ना। वर्ड में काम कर रहे हैं, वर्ड को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करते हो, उसका फॉर्मेट बदलते हो। अभी हम वर्ड में काम कर रहे हैं तो वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, .docx 2007 से चालू होता है .docx। 2007 के पहले क्या था, .doc। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछते हैं, आपने पूरा वर्ड पढ़ डाला, पता चला छोटा सा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, वो ये नहीं आया, मैडम ने ये तो पढ़ाया ही नहीं, जबकि मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ ये 3 बार, है ना। कई बार ही क्या होता है, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करो, उसके बेसिक सबसे पहले पकड़ रखो, गहराई में जाने बाद में पता चला बेसिक के तो क्वेश्चन आपने अच्छे से याद नहीं किए, और एग्जाम में आए बेसिक बेसिक, हम बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन पढ़ के गए तो कठिन क्वेश्चन आया ही नहीं था, है, हमने बहुत कठिन क्वेश्चन पढ़े थे, कठिन क्वेश्चन तो आए नहीं थे, और आसान क्वेश्चन पूछे थे, और आसान क्वेश्चन हमको आते नहीं है, हम एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, सिर्फ कठिन कठिन काम ही करते हैं। इसीलिए हमेशा किसी भी एग्ज़ाम को दो, बेसिक्स पे पकड़ अच्छी बनाओ, क्योंकि सारे स्टूडेंट को बेसिक आता है, और बेसिक को तो पहले पकड़ अच्छी कर लो, उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स में एक्स्ट्रा स्मार्टनेस करो, वो आपकी रैंकिंग बढ़ाएगा। सारे सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा स्मार्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ सब्जेक्ट की पकड़ फिर अच्छी करो, किसी की मैथ्स अच्छी हो सकती है, किसी की इंग्लिश अच्छी हो सकती है, किसी की हिस्ट्री अच्छी हो सकती है, है ना। तो सभी स्टूडेंट के इक्वल आने के लिए तो बेसिक पढ़ लो बढ़िया, फिर 2-4 सब्जेक्ट की पकड़ बनाओ बढ़िया, कि भैया सब्जेक्ट मेरा बढ़िया, सबसे अच्छे नंबर लाऊंगा इसमें, वो आपकी मेरिट में आपको पहुँचा देगा, ठीक है। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एमएस वर्ड जो हम पढ़ गए हैं, इसको तो हम कंप्लीट करेंगे, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये। इसके बाद आएंगे इसकी शॉर्टकट कीज। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन में से 4 या 5 क्वेश्चन शॉर्टकट की के ही आ गए। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये भी कोशिश करो कि पिछले साल के पेपर क्या आ गए। कुछ बच्चे वन पार का पेपर दे रहे हैं, कितने बच्चे दे रहे हैं अभी, वन पार दे रहे हो आप, वन रक्षक वन पार लगभग सिलेबस एक ही है, ठीक है। पिछले साल का पेपर या अभी रिसेंटली पेपर जो आया है उसको देखा है क्या आपने, मैथ्स आपकी प्रॉपर तैयार हो गई है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले पकड़ बनाओ मैथ्स पे, मैथ्स के बाद जीके, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जो जीके में तीनों चीज़ें आ जाएंगी। ये आपके 100 कितने नंबर आ, कितने नंबर की आ गई, 40-50 नंबर की आ गई होगी, हाँ भाई आपके 100 नंबर का क्वेश्चन है ना, नहीं पिछले साल का अभी का पेपर देखो ना, ग्रुप में डाल, मैथ्स कितना आ रहा है, जीके के। तो ऐसा करें, जीके का अपना अपनी क्लासेस का ज्योग्राफी जो सर ने पढ़ाई है, जो आपको पढ़ाई है, वो पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, राजस्थान जीके की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको रिवाइज कर लो, और जीके के बेसिक पे ध्यान देना, ठीक है। ज्योग्राफी के बेसिक, हिस्ट्री का बेसिक, आर्ट एंड कल्चर का बेसिक, ठीक है, और मैथ्स पकड़ो, इन सब्जेक्ट को पकड़ो। साइंस का तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चन आ रहा है वो टॉपिक अच्छे से तैयार करके चले जाओ, जैसे प्रतिशत तक का आ रहा है, औसत का आ रहा है, जो भी आ रहा है, यही स्ट्रेटेजी होती है कि आप पिछले साल का पेपर देखो या रिसेंट पेपर देखो, उसके अनुसार अपनी तैयारी करो, और तैयारी को उस हिसाब से प्लानिंग करो, है ना। आगे बढ़ते हैं, अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, बॉर्डर्स। बॉर्डर्स क्या होते हैं, ये यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, 12 बजे के बाद जो आपकी क्लासेस ख़त्म हो जाती है उसके बाद डिस्कस करना, प्लानिंग करना, किताबें चाहिए मुझसे डिस्कस कर लेना, आज मेरी
छुट्टी है, ऑफिस नहीं जाऊंगी, किसी को कोई प्रॉब्लम है मेरे से बात कर लेना। गुरु नानक जयंती है आज, है ना? क्या ठीक है? ठीक है, और अगर आप कहोगे तो मैं जीके वाले सर को कह दूंगी रिवीजन करवा देंगे। आज मैं स्पेशली कह दूंगी कि उनका ज्योग्राफी का रिवीजन करें, जितना वो रिवीजन करा सकते हैं ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिवीजन करा दें, या हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सीधा रिवीजन करा दें। चलो यहाँ यहाँ आ जाएं आप, ठीक है? बॉर्डर बॉर्डर ये तो पेज, ठीक है? मार्जिन के बाद बॉर्डर्स मैंने यहाँ सेट किए, तो ऐसी लाइन आ जाएगी जो भी लिखा हुआ होगा इसके बीच में लिखा हुआ होगा। उसके अलावा कुछ कुछ जगहों पे बॉर्डर्स डिज़ाइनदार भी होते हैं, पत्तियाँ बनी हुई, है ना? तो ऐसे बॉर्डर्स यहाँ से सेट करते हैं, ये डिज़ाइनें बनी हुई पूरी लिस्टिंग दिखाता है। आपको पत्ती वाला बॉर्डर चाहिए क्या, आपको ऐसा बॉर्डर चाहिए क्या, आपको ऐसा बॉर्डर चाहिए क्या, जो जो आपको बॉर्डर चाहिए आप सेट करो, आपके डॉक्यूमेंट पर सेट हो जाएगा, ठीक? तो थीम, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ के ऑप्शंस क्या हैं? इंडेंट एंड स्पेसिंग। ये ऑप्शन पैराग्राफ के रिपीट ही हुए हैं। क्या होगा, हम चाहते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ का इंडेंट सेट करना। इंडेंट क्या होता है पहले आप ये बताएं, इंडेंट क्या होता है पहले आप ये बताएं। मार्जिन के बाद पैराग्राफ की कितनी दूरी पे स्टार्ट होगा उसको क्या कहा जाएगा? इंडेंट। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे आप। यहाँ देखें ज्ञानेश, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ तक तो मेरा लेफ्ट मार्जिन है, ठीक? और पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से। तो इंडेंट क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक। ये क्या हुआ? लेफ्ट मार्जिन। इंडेंट क्या हुआ बताना, ज्ञानेश बताओ इंडेंट क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, एमएस वर्ड पूरा पढ़ गया और इंडेंट ही पूछेंगे तुम्हारे एग्जाम में, इंडेंट ही आएगा। क्या होता है इंडेंट? दिलखुश तुम बताओ, एक बार मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, हैंगिंग इंडेंट भी बताया था, फर्स्ट लाइन इंडेंट भी बताया था, इसी इंडेंट के और पार्ट होते हैं, और ये रिपीट हुआ है इंडेंट। तो आप फॉन्ट और पैराग्राफ में पहले ही पढ़ चुके हो, फॉन्ट पैराग्राफ कहाँ पढ़ा था आपने? क्लिप होम वागे में। बताओ इंडेंट पहले ही पढ़ा चुकी हूँ मैं, अभी वर्ड पढ़ गए वर्ड भूल गए, सोचो 5 दिन बाद 10 दिन बाद 15 दिन बाद पूछूंगी तो कितना ध्यान रहेगा तुम्हारे दिमाग में। इसके प्रैक्टिकल भी थोड़ा कर लेना, फिर उसके शॉर्ट नोट बना देना, इसके नोट्स मैं भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। बारह बजे के बाद रुक जाना, प्रैक्टिकल करा दूंगी, ठीक है? आज पढ़ाया, आज का आज प्रैक्टिकल करा दूंगी, ठीक है? बताओ इंटेंट क्या होता है? मार्जिन के बाद पैराग्राफ मार्जिन से थोड़ी स्टार्ट हो रहा है, मार्जिन के बाद भी कुछ जगह है जिसको क्या कह रहे हो आप? इंडेंट कह रहे हो। ये जगह, ये तो है आपके पेज, ये मार्जिन छोड़ा, मार्जिन के बाद भी पैराग्राफ आपने और दूर स्टार्ट किया तो उसको क्या कहा जाता है? इंडेंट। अब इसमें फर्स्ट लाइन इंडेंट हम देते हैं तो पहली पहली सारी लाइन तो जिस जहाँ से स्टार्ट हो गई हैं, फर्स्ट लाइन खास और जगह दे दी अपन ने तो उसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट लाइन इंडेंट। और अगर हम कहें हैंगिंग इंडेंट, ये सारी लाइनें हैं ध्यान से देखना, हैंगिंग इंडेंट आगे चला जाएगा। तो आप ध्यान रखें इंडेंट क्या होता है, पैराग्राफ कितना दूर स्टार्ट हो रहा है मार्जिन से उसको हम कहते हैं इंडेंट। और इस तरीके से याद करना, ये पहली लाइन आगे खिसकती हुई आए तो उसको कहते हैं अपन हैंगिंग इंडेंट। फर्स्ट लाइन इस तरफ नहीं, ऐसे अंदर खिसकती हुई है, बहुत सारी जगहों पे होता है ऐसा, पहली लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है,
तो उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट। ठीक है, स्पेसिंग क्या चीज़ है, दो लाइन्स के बीच में, पैराग्राफ के बीच में, बेसिकली यहाँ आ रहा है पैराग्राफ, लाइन्स के बीच में नहीं, पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग देगा ये। और वहाँ हमने जहाँ पढ़ा था वहाँ लाइन्स के बीच में, लाइन्स यहाँ पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग है, हो गया क्या। नेक्स्ट आ जाए अरेंज पे, अरेंज मीनू लास्ट। अरेंज क्या करता है, बेसिकली ये काम करता है पिक्चर्स पे, हमने शेप पिक्चर्स इसमें इंसर्ट करी है, और टेक्स्ट लिखा है, एक शेप और इंसर्ट करी है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये शेप इंसर्ट की हुई है। ठीक है, अरेंज में ऑप्शन होते हैं कि अगर ये दो शेप हैं, दो पिक्चर हैं, तो देखो इसमें फ्रंट पे कौन सी पिक्चर दिख रही है, कौन सी पिक्चर आधी छुप रही है, जो स्क्वायर वाली है, आधी छुप रही है ना, इस दोनों को सेलेक्ट करके मैं इसको फ्रंट में ला सकती हूँ, इसको सेलेक्ट करके कह सकती हूँ सेंड टू बैक, इसको ले सकती हूँ फ्रंट में। तो ऐसे ऑप्शंस आते हैं कि किसको आपको बैक में भेजना है, किसको आपको फ्रंट में गाना है, पिक्चर्स में सेटिंग की जा सकती है। ये टेक्स्ट जो है किस बिल्कुल इसके पास पास रहे, जैसे ये गोल होता तो ये टेक्स्ट क्या बिल्कुल इतना पास पास रहे ये, या ये प्रॉपर दूरी बना के रखे इससे। तो ऐसे कुछ सेटिंग्स किस में मिलेंगी आपको, अरेंज, इतना काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, तो अरेंज में क्या करना होता है, आपको पिक्चर्स और टेक्स्ट के बीच में अरेंजमेंट सेट करने के ऑप्शंस मिलते हैं। खास तौर पे आप ध्यान रख रहे हैं किसी पिक्चर को आगे गाना है, किसी पिक्चर को पीछे गाना है, पिक्चर और टेक्स्ट के बीच में क्या अरेंजमेंट रखना है, उसके बीच में क्या दूरी रखनी है, डिस्टेंस क्या रखना है, टेक्स्ट बिल्कुल पास रहे क्या उसके, टेक्स्ट थोड़ा डिस्टेंस में रहे क्या, ये जो पिक्चर है वो लेफ्ट अलाइंड है क्या, राइट अलाइंड है क्या, ऐसे कुछ सेटिंग्स मिल जाती हैं आपको अरेंजमेंट में। ठीक है, तो जो हमने एक मेनू कंप्लीट किया है उसको अभी शॉर्ट में रिवीजन करेंगे, आप बताएंगे मुझे, मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी, फिर नेक्स्ट रेफरेंसेस पे आ जाएंगे। पेज लेआउट, पहला ऑप्शन थीम, पूरे डॉक्यूमेंट की थीम सेट होती है, इसमें कुछ ऑप्शंस और हैं, कलर, फॉन्ट, इफेक्ट्स, नहीं तो सिर्फ इतना सा ध्यान रह जाए, थीम, पूरे डॉक्यूमेंट की थीम सेट होती है, इतना आपके लिए काफ़ी है। आगे बढ़े, पेज सेटअप, ये इंपॉर्टेंट है, पेज सेटअप में क्या क्या आता है, मार्जिन, साइज और ओरिएंटेशन और कॉलम, ब्रेक और लाइन नंबर्स। पेज बैकग्राउंड में क्या क्या आता है, वाटरमार्क, पेज कलर बैकग्राउंड, पेज बॉर्डर। पैराग्राफ में क्या क्या आएगा, इंडेंट, जिसमें मैंने आपको कहा था मैं पढ़ा चुकी हूँ, इंडेंट एंड स्पेसिंग, पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग, दो पैराग्राफ या सारे पैराग्राफ जो डॉक्यूमेंट में हैं उनके बीच की स्पेसिंग को आप सेट कर सकते हैं। अरेंज में क्या आता है, पिक्चर्स के अरेंजमेंट को सेट करते हैं, पिक्चर और टेक्स्ट के बीच के अरेंजमेंट को सेट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेनू पे आ जाते हैं, रेफरेंसेस। रेफरेंसेस, जैसा कि नाम से आपको पता पड़ रहा है कि कुछ ना कुछ रेफरेंस से हम देखना चाहते हैं, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट, सबसे पहले आप किताब देखते हो, किताब को खोलते हो तो क्या नज़र आता है आपको, टेबल ऑफ कंटेंट, तो इसका पहला ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट आएगा इसमें ऑप्शन, एक इंडेक्स ऑप्शन आएगा, इंडेक्स देखा है क्या आपने, एक ऑप्शन इसमें और आएगा, फिगर्स बनाए क्या आपने, टेबल ऑफ कंटेंट आया आपके, साइटेशन एंड
बिब्लियोग्राफी। ग्राफी एक ऑप्शन और आएगा इसमें आपके, कैप्शन। एक ऑप्शन और आएगा इसमें आपके, इंडेक्स। एक ऑप्शन और आएगा इसमें आपके, टेबल ऑफ ऑथोरिटीज। टेबल ऑफ फिगर इसी में आएगा। एक ऑप्शन मिस हो रहा है बीच में, चलो उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। टेबल ऑफ कंटेंट को समझना स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट क्या है बताएं, बताएं यार, सबने देखा है, कोई किताब है क्या किसी के पास? टेबल के ऊपर एक किताब देखो, किताब में सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है? हाँ, टेबल देखो आप, कोई भी किताब देखो क्या आता है? यस, बताओ बताओ भाई, किताब देखते हो तो क्या आता है? यार किताब के आगे आपके लिखा होता है कि इसमें किताब में क्या क्या है, कौन से चैप्टर हैं, है वो इंडेक्स पीछे पीछे वाला होता है। देखो दो कॉन्सेप्ट क्लियर करना, एक इंडेक्स आप कहते हो उसको इंडेक्स, लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट होती है वो। किताब के आगे चैप्टर का नाम जो लिखा होता है, चैप्टर वन, चैप्टर टू, चैप्टर थ्री, ये सब क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। और इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, जिसको भी आपने हेडिंग वन, हेडिंग टू इस तरीके से कुछ दे रखा है, वो ऑटोमेटिक उसको लेके उसकी टेबल और पेज नंबर बना देगा, पूरी की पूरी टेबल अपने आप ही इंसर्ट कर देगा। जिसको भी आपने हेडिंग वन, हेडिंग टू वगैरह दे रखा है ना, जैसे चैप्टर वन हेडिंग वन में डाला हुआ है, फिर चैप्टर के दूसरे टॉपिक आपने हेडिंग टू में डाले हुए हैं, तो हेडिंग्स जहाँ जहाँ आपने डाली हुई है उसकी टेबल ऑफ कंटेंट ही अपने आप बना के डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में क्या कर देगा? इंसर्ट कर देगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या है? चैप्टर, हेडिंग्स, वो सारी टेबल आ जाएगी। पहला चैप्टर कौन सा है, दूसरा चैप्टर कौन सा है, तीसरा चैप्टर कौन सा है, कौन से पेज नंबर पे, ये तो हो गया आपके टेबल ऑफ कंटेंट। इसके साथ साथ अपन देख लेते हैं इंडेक्स, क्योंकि इन दोनों में ही कन्फ्यूज़न होता है। पहले इन दोनों को इसी के साथ में देख रहे हैं, फिर बची हुई चीज़ें भी एक साथ देख लेंगे, जो भी मैटर बचा हुआ है वो भी देखेंगे अपन। इंडेक्स, इंडेक्स आप कभी देखना, जैसे इनपुट डिवाइस मुझे देखना है और मुझे ऐसे टेबल ऑफ कंटेंट में समझ में नहीं आ रहा, उसमें भी इनपुट डिवाइस तो टेबल ऑफ कंटेंट में दिया हुआ है, लेकिन पर्टिकुलर जॉयस्टिक को मैं सर्च नहीं कर पा रही, तो मैं क्या करूँगी, पीछे एक इंडेक्स दिया होगा ए बी सी डी के फॉर्म में, लास्ट में जे पे चली जाऊँगी, जे पे देखूँगी कि जॉयस्टिक कहीं दिया हुआ है क्या। जॉयस्टिक जैसे ही मुझे मिल जाता है उसका पेज नंबर दिया होगा, और पूरी किताब में जाके पेज नंबर 67 पे जाऊँगी, यहाँ जॉयस्टिक लिखा हुआ है। बात को कैच किया क्या आपने? किताब के पीछे कुछ लिखा होता है क्या, ऐसा इंडेक्स बना होता है क्या? मैं आज के 10 साल पुरानी किताब बताती हूँ, मुझे यहाँ से बलराम को कहना DVMS की किताब दे। कहना वो हेनरी कोर्थ वाली मोटी वाली किताब देना। ठीक है, तब तक अपन आगे पढ़ते रहते हैं। मैं किताब से देख के आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देख के टेबल ऑफ इंडेक्स और टेबल ऑफ कंटेंट और इंडेक्स को बताऊंगी अभी। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फुट नॉट एंड एंड नॉट। ये तो हुआ आपके टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक। इंडेक्स अब इन्होंने बना रखा, इसमें नहीं बना रखा होगा इन्होंने। DVMS की किताब लेके आओ, DVMS मोटी किताब, कंप्यूटर वाली मोटी वाली किताब, हेनरी कोर्थ वाली देना।
मोटी किताब होगी कंप्यूटर की सबसे बड़ी, या ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाए। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। फुट नोट और एंड नोट। देखो हेडर फुटर फुट नोट एंड नोट ये करते हैं कंफ्यूजन, ठीक है। हेडर फुटर कहाँ पढ़ा था हमने, इंसर्ट में हेडर फुटर। हेडर फुटर में आप जो भी इंसर्ट करते हो वो हर पेज पे नजर आएगा। आई बात समझ में? एंड नोट क्या चीज होती है, जैसे फुट नोट एंड नोट में से पहले एग्जांपल देते हैं फुट नोट की। जैसे मैंने कोई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ये देखें आप, ये दिख रहा है क्या, इसको कहते हैं इंडेक्स। ये क्या कहता है, इंडेक्स। टेक्निकल टर्म, जैसे मुझे डीएमएल ढूंढना है तो ABCD करके ये ए से लेकर जेड तक चलेगा, इंडेक्स लिखा हुआ है इस पे, है ना। ये कंटेंट है, क्या लिखा हुआ इसमें, कंटेंट। तो ये कंटेंट जो बना है ये क्या कहेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट। और पीछे जो है उसको क्या कहेंगे हम, ये जो बना हुआ है ये क्या कहलाएगा, इंडेक्स। जैसे DML हम मुझे सर्च करना है तो मैं ABCD करके D पे जाऊंगी, D में DML को देखूंगी, फिर उसका पेज नंबर देखूंगी 67, फिर 67 पे यहाँ जाऊंगी तो मुझे DML के बारे में क्या लिखा हुआ है वो मुझे मिल जाएगा। तो ऐसी किताबों में से कोई टेक्स्ट ढूंढना आसान हो जाता है, नहीं तो DML अगर मुझे टेबल ऑफ कंटेंट में नहीं मिला, मान लो नहीं मिला कोई डिटेल, तो कहाँ मिल जाएगा, पीछे इंडेक्स में मिल जाएगा। ये इंडेक्स इस तरीके से बनता है। कंफ्यूजन दूर? इसमें एंट्री आप कर सकते हो उसके अनुसार बन जाएगी। इसी तरीके से इंडेक्स आप कैसे लेंगे, जैसे इसमें कहाँ कहाँ है इंडेक्स, पूरे डॉक्यूमेंट में आपने इंडेक्स की एंट्री मार्क करते जाएंगे। यहाँ ऑप्शन आएगा मार्क एंट्री, जहाँ जहाँ आपके DML लिखा हुआ था आपने लिखा, DCL लिखा हुआ था वो ले लिया हमने, DBMS लेना था तो यहाँ पे इंडेक्स की एंट्री मैंने मार्क कर दी। लास्ट में गए और इंसर्ट इंडेक्स मैंने किया तो जितनी आपने मार्किंग करी हुई थी उसका इंडेक्स पीछे अपने आप बन जाएगा, बैठ के बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ DML था उसका पेज नंबर वो अपने आप लेगा। जहाँ जहाँ लिखा हुआ था मैंने मार्क कर दिया, इंडेक्स एंट्री को मार्क कर दिया, यहाँ मार्क कर दिया, यहाँ मार्क कर दिया, जब भी मैं पेज डॉक्यूमेंट बना रही थी वहाँ वहाँ मार्क करती जा रही थी, तो पीछे इंडेक्स ऑटोमेटिक बन जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं फुट नोट और एंड नोट। अब आ जाते हैं फुट नोट क्या होता है। कई बार किताबों के इस जगह पे हेडर फुटर नहीं, पेज नंबर नहीं, यहाँ पे कोई टर्म लिखी हुई थी इसको इस जगह पे नहीं समझा के इसकी डिटेलिंग यहाँ नीचे दी हुई है, लिखा हुआ यहाँ वन स्टार लगा दिया, वन लगा दिया, टू लगा दिया, थ्री लगा दिया, वन और वो शब्द जो था उस शब्द की डिटेलिंग यहाँ दे दी, टू नंबर लगा दिया, टू की डिटेलिंग यहाँ लगा दी। यहाँ पे सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट जैसे 1-2 नजर आएंगे आपको, वो नीचे आता है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम, फुट नोट। फुट नोट हर पेज पे आप अपने हिसाब से देंगे, मान लो उस पेज पे मुझे देना है तो दूंगी, नहीं देना है तो नहीं दूंगी, मुझे कोई शब्द नीचे समझाना है तो आप फुट नोट पे जाके समझा सकते हैं, वो शब्द नीचे डिटेलिंग में आ जाएगा। फुट नोट पेज प्रति पेज या पर पेज कोई डेटा है कोई शब्द है उसको समझाना है उसके लिए होगा। एंड नोट पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में होगा। हेडर फुटर हर पेज की हेडिंग में, हर पेज के नीचे, जैसे पेज नंबर एक तरीके से आप फुटर पे सेट कर सकते हो। हेडर जैसे मैंने किताब का नाम हेडिंग में मैंने सेट कर दिया,
जैसे ये जो चीज़ आ गई ऊपर ही ऊपर चैप्टर्स, ये एक तरीके से हेडर है। ये जो आ रहा है ये हेडर है। अगर कहीं पेज नंबर आ रहा है तो वो फुटर की तरह आ सकता है, पेज नंबर चल सकता है। फुट नोट अलग चीज़ है, फुट नोट अलग चीज़ है, फुटर अलग चीज़ है। फुटर हर पेज पे जाएगा, फुट नोट आपको कोई शब्द समझाना है उस हिसाब से होता है। सिग्नेचर मैंने पढ़ा दिया, कल ही पढ़ाया था, है ना। सिग्नेचर आता है वो लेटर वगैरह में लिखना होता है, एंड में सिग्नेचर डालना, सिग्नेचर लाइन ऑप्शन होता है। अब आ जाते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होती है बताएं? किसी ने पेपर वगैरह लिखे हैं क्या? पेपर पब्लिश करना, कोई रिसर्च वगैरह करता हो आप लोगों में से, शायद आप फर्स्ट ग्रेड में कर रहे हैं, रिसर्च करना, पेपर पब्लिश करते हैं तो लास्ट में कुछ लिखा रहता है। सोर्स आपने कहाँ से लिया है, कौन से पेपर से आपने दो चीज़ें पढ़ी, उसके बाद आपने आपका पेपर बनाया, आपने रिसर्च करी। तो इस तरीके से जो लिस्टिंग दी जाती है पेपर के एंड में या किताब के एंड में, इसमें होगी जरूर, इसमें भी है बिब्लियोग्राफी, ये बिब्लियोग्राफी किस किस किताबों से पढ़ के इन्होंने अपनी किताब बनाई है, किस किस किताबों को रेफर किया है इन्होंने, ये इतनी इन्होंने, हाँ, जो आप रिसर्च वगैरह करते हो तो इसके क्या कहा जाता है, ये सोर्स पूरा आप देते हो तो उसको क्या कहते हैं आप, बिब्लियोग्राफी कहते हो, ठीक है। तो कितनी किताबों को आपने स्टडी किया है देन अपनी किताब बनाई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, टेबल ऑफ फिगर कैप्शन, और इंडेक्स हो गया, टेबल ऑफ अथॉरिटीज कंप्लीट करना है। इसको क्या किया जाए, चलो नेक्स्ट करते हैं हम। ये हो गया टेबल ऑफ फिगर करना है अपने को, कैप्शंस। आपने जितनी भी टेबल अगर इसमें बनी हुई है तो कुछ नीचे लिखा होता है, फिगर बना हुआ है, सॉरी फिगर कोई नजर आए, ये फिगर के नीचे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब कितनी ऐसे कितने फिगर बने हुए हैं उसकी टेबल बनानी हो तो वो पेज के किताब के स्टार्ट में भी दे सकते हैं टेबल ऑफ फिगर्स, बहुत सारी किताबों में दी होती है, इसमें दी है या नहीं, तो पूरी की पूरी आप क्या कर सकते हो, टेबल ऑफ फिगर बना सकते हो। कितने फिगर हैं, जैसे मेरे पास 5 फिगर हैं, 5 फिगर की टेबल आ जाएगी, फिगर 1, फिगर 2, किस पेज पे है, क्या है, उसकी डिटेल आ जाएगी, पेज नंबर भी आएगा इसमें, 3rd पेज नंबर पे है, चौथे पेज नंबर पे है, फिगर 4 कौन से पेज नंबर पे। तो इस तरीके से अगर हम कोई टेबल बना रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, टेबल ऑफ फिगर। और जो आप फिगर के नीचे लिखते हो उसको क्या कहते हैं हम, कैप्शन, ठीक है। ये हो गया टेबल ऑफ अथॉरिटीज, लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है टेबल ऑफ अथॉरिटीज, टेबल ऑफ अथॉरिटीज लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है। ये कहाँ काम में आता है, लीगल डॉक्यूमेंट में काम आता है। कभी भी आप कोई जजमेंट वगैरह देखें, कोई लीगल डॉक्यूमेंट देखें तो उसमें लास्ट में लिखा होता है केस नंबर, केसेस की डिटेल दी होती है। तो ऐसी कोई एंट्री करनी हो तो हम किसको काम में लेते हैं, टेबल ऑफ अथॉरिटीज। जैसे कोई लीगल डॉक्यूमेंट या कोई वकील अपनी कोई जो डॉक्यूमेंट पेश कर रहा है और डॉक्यूमेंट पेश करने में ये बता रहा है कि ये केस इसके बीच में साधना वर्सेस राजस्थान सरकार में ये हुआ था, राजस्थान सरकार के पक्ष में ये फैसला आया था, ऐसी कोई डिटेल देनी है, 2009 में हुआ था, तो ये सब किस में आएगा, अथॉरिटीज़ में। जैसे टेबल्स अपन इनकी बना रहे ना बिब्लियोग्राफी की, वैसे इस केसेस की डिटेल्स अगर बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। उसको बनकर